भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम को लेकर एफएक्यू जारी कर दिए हैं। ये एफएक्यू पेटीएम को लेकर आम लोगों के मन में मौजूद तमाम सवालों के जवाब देंगे। पेटीएम यूजर्स के उस डर को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे जो उनके मन में पेटीएम पर कार्रवाई के बाद बैठ गया है। साथ ही आरबीआई ने उन लोगों के सवालों का जवाब देने की कोशिश की है जो फास्टैग से लेकर बिजली का बिल और अपने लोन की ईएमआई तक भी पेटीएम के थ्रू करते हैं। वैसे आरबीआई ने कस्टमर्स को राहत देते हुए बैंक में डिपॉजिट जमा और क्रेडिट ट्रांजैक्शन करने की टाइम लिमिट भी 15 मार्च तक बढ़ा दी है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर एफएक्यू में आम लोगों को किस तरह की जानकारी दी है, साथ ही आम लोगों के सवालों को अपने जवाब से किस तरह शांत किया है। नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। तो इसमें सबसे पहले है सैलरी अकाउंट। यदि आपकी सैलरी आपके PPBL अकाउंट में डिपॉजिट होता है तो आप इसे 15 मार्च के बाद एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आरबीआई ने सुझाव दिया है कि ऐसे लोग 15 मार्च से किसी दूसरे अकाउंट में अपना सैलरी अकाउंट ट्रांसफर कर लें। अगला, बिजली OTT बिल। अगर आप भी अभी तक पेटीएम के थ्रू बिजली का बिल या फिर OTT सब्सक्रिप्शन की पेमेंट अभी तक पेटीएम पेमेंट बैंक से करते आए हैं तो ऐसे लोग बैलेंस अवेलेबल रहने तक ही इसका यूज करते रहेंगे, लेकिन 15 मार्च के बाद क्रेडिट और डिपॉजिट भी अनुमति नहीं दी जाएगी। अगला, फास्टैग, जो कि एक सबसे ज़्यादा इसमें लोग कंफ्यूज हैं कि फास्टैग चलेगा या नहीं चलेगा। फास्टैग के लिए आरबीआई कहता है कस्टमर्स अवेलेबल बैलेंस खत्म होने तक टोल का पेमेंट करने के लिए अपने पेटीएम द्वारा जारी फास्टैग का यूज़ कर सकते हैं। 15 मार्च 2014 के बाद किसी और फंडिंग या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। फास्टैग में क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसीलिए ग्राहकों को अपना पुराना पेटीएम फास्टैग बंद करना होगा और बैंक से रिफंड के लिए अनुरोध करना होगा। अगला, ईएमआई पेमेंट। अकाउंट में बैलेंस खत्म होने तक ऑटो डेबिट मैंडेट एग्जीक्यूट होते रहेंगे, हालांकि 15 मार्च के बाद अकाउंट बंद हो जाएंगे। वैसे पेटीएम पेमेंट बैंक के अलावा किसी भी बैंक में रजिस्टर्ड ईएमआई जारी रह सकती है। अगला, PPBL का वॉलेट। रखने वाले ग्राहक 15 मार्च के बाद भी वॉलेट में पैसे रहने का यूज़ कर सकते हैं जब तक कि उस वॉलेट में पैसे हैं। वहीं रिजर्व बैंक ने PPBL खाते या वॉलेट से जुड़े पेटीएम QR कोड, पेटीएम साउंड बॉक्स, पेटीएम POS टर्मिनल के जरिए पेमेंट लेने वाले दुकानदारों को भी सतर्क करते हुए कहा है कि वे 15 मार्च के बाद इस सर्विस का लाभ नहीं उठा पाएंगे और उन्हें दूसरे ऑप्शंस का यूज़ अभी से शुरू कर देना चाहिए। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर पेटीएम ने इस पर क्या बयान दिया है। इस बीच पेटीएम के फाउंडर और CEO विजय शेखर शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पेटीएम QR साउंड बॉक्स और EDC कार्ड मशीन यानी 15 मार्च के बाद भी हमेशा की तरह काम करते रहेंगे, किसी भी अफवाह और भ्रम में ना पड़े, कोई भी आपको डिजिटल इंडिया की हिमायत करने से नहीं रोक सकता। आरबीआई ने PPBL पर यह सख्त कदम उठाने के पहले मार्च 2022 में उसे नए ग्राहकों को शामिल करने से रोक दिया था। पेटीएम ब्रांड की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन की PPBL में 49% हिस्सेदारी है, लेकिन वह इसे अपना सब्सिडरी ना बताकर यह एक सहयोगी बताते हैं। इस वीडियो पर बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बाकी बड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें TV9 भारतवर्ष के साथ। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।